गाइस वेलकम टू ग्रेन डाइट ऑनलाइन स्टडी चैनल, आप स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि इससे पहली वाली वीडियो में हमने बात की थी हमारा रेजिस्टेंस, ठीक है, इंडक्टर, तो उसमें आपने देखा था कि एक शब्द का बार बार उल्लेख हो रहा था कि लीडिंग लैगिंग यूनिटी, ठीक है, इन फेज आउट ऑफ फेज, तो ये होता क्या है, ठीक है, ये लीडिंग क्या है और लैगिंग क्या है और इन फेज क्या है, तो उसी के बारे में आपको थोड़ा क्लियर करना चाहूंगा कि लीडिंग लैगिंग और यूनिटी क्या होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में मैं यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या हम वेव फॉर्म बनाते हैं, ये मैंने इस तरीके से वेव फॉर्म बनाया, डीसी वेव फॉर्म, ठीक है। ये हमारा, मैंने बता चुका हूँ पहली वाले वीडियो में, ये हमारा साइन ओमेगा टी जो टाइम पीरियड की वैल्यू होती है, ये आपकी करंट होती है आई और ये जीरो, ठीक है। अगर आप एसी अल्टरनेटिंग करंट, मतलब एसी करंट की बात करें या अल्टरनेटिंग करंट की बात करें, तो अल्टरनेटिंग करंट में क्या होगी, दो राशि होंगी, एक वोल्टेज और करंट, ठीक है। तो मतलब क्या, अगर इस तरीके से पहले मैं देखिए वेव फॉर्म बना रहा हूँ कंप्लीट, ये अब ये मैंने वेव फॉर्म बनाई है, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं है केवल वोल्टेज की बात कर रहा हूँ या केवल करंट की बात, नहीं नहीं, यहाँ पे आपका वोल्टेज और करंट दोनों हो सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या, दोनों हुए हैं, मतलब इसमें मौजूद है, अब वो आपको दिख नहीं रहे हैं, क्यों नहीं दिख रहे हैं, तो देखिए अगर ये आपका इस तरीके से आपकी 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ और 360 डिग्री पे कंप्लीट हो गई आपकी साइकिल, और आपको सिंपल से इस तरीके की वेव फॉर्म दिख रही है, मतलब क्या है, ये इन फेज है। इन फेज का मतलब क्या होता है, इन फेज मतलब होता है कि अगर वोल्टेज और करंट साथ साथ घटती बढ़ते हुए अपने अधिकतम मान पर पहुंचकर पूरी साइकिल कंप्लीट करने, तो क्या कहलाएगी, इन फेज कहलाएगी। अब इसी का मैं दूसरा वेव फॉर्म बनाना चाहूँ इस तरीके से, ये आपका टाइम पीरियड साइन ओमेगा टी, ठीक है, ये आई और ये जीरो, इस तरीके से ये आपकी मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, वोल्टेज चलना स्टार्ट हुआ और कुछ डिग्री का अंतर, मतलब मान लीजिए यहाँ से इस पॉइंट से क्या हुई, ये करंट चलना स्टार्ट हुई और ये इसने क्या कर दी, अपनी साइकिल कंप्लीट कर दी, तो ये थीटा डिग्री का अंतर आ गया। अब ये इन फेज नहीं होगा, यहाँ पे हम इसको इन फेज नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि ये साथ साथ कहाँ देख रहे हैं आप कि पहले वोल्टेज चलना स्टार्ट हो रहा है फिर आपकी करंट चलना स्टार्ट हो रही है, तो ये इन फेज कहाँ है, ये क्या कहलाएगा आपका आउट ऑफ फेज, मतलब क्या, वोल्टेज करंट के बीच में कुछ थीटा डिग्री का अंतर आ जाए, वही क्या कहलाएगा हमारा आउट ऑफ फेज। तो यहाँ पे थीटा डिग्री का हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका आउट ऑफ फेज हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका इन फेज हो जाएगा। अब यही पे मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, लीडिंग और लैगिंग क्या होता है, लीडिंग और लैगिंग का मतलब कुछ नहीं होता है, देखिए इस वेवफॉर्म को आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आगे चल रहा है मतलब लीड कर रहा है वो आपका लीडिंग हो जाएगा, और जो पीछे चल रहा है वो क्या हो जाएगा, लैग हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपकी देखिए इस तरीके से क्या है, करंट चलना स्टार्ट हो रही है पहले, ठीक है, लेकिन और ये क्या है वोल्टेज, लेकिन आप यहाँ से लीडिंग लैगिंग का पता ऐसे नहीं लगा सकते कि ये आपको आगे दिख रही, तो नहीं, हम देखेंगे इस साइड से, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरीके से पीछे ले जाऊं तो अब आप देख सकते हैं यहाँ से आप लीडिंग लैगिंग का क्लियर कर लेंगे, मतलब क्या, पहले यहाँ से क्या चलना स्टार्ट हुआ, वोल्टेज, वोल्टेज चलना स्टार्ट हुआ, मतलब यहाँ पे हमारा वोल्टेज क्या कर रहा है आपका लीड कर रहा है, ठीक है, और फिर थोड़ा क्या थीटा डिग्री के फेज डिफरेंस में क्या होगा, करंट चलना स्टार्ट हुआ, मतलब यहाँ पे आई क्या कर रही है, लैग कर रही है। तो यही कह रहा था आपका लीडिंग लैगिंग आउट ऑफ फेज इन फेज, ठीक है। इन फेज क्या होता है, जब कोई भी फेज डिफरेंस ना हो, मतलब साथ साथ चलती उड़ती, मतलब करंट और वोल्टेज की वेवफॉर्म साथ साथ चलती हुई अपनी क्या करें, साइकिल कंप्लीट करें, ये कह रहा है इन फेज। आउट ऑफ फेज क्या होगा, जब वोल्टेज करंट के बीच में कुछ थीटा डिग्री का अंतर बने, और लीडिंग क्या, जो राशि आगे चल रही है, मतलब हमारी या तो वोल्टेज हो सकती है करंट हो सकती है, जो भी आगे चल रही है वो आपका लीड कहलाएगा, और जो पीछे चल रही है वो आपका कहलाएगा लैग कहलाएगी, ठीक है। तो देखा हमने कि क्या होता है लीडिंग लैगिंग और आउट ऑफ फेज, ठीक है। इसकी आने वाली वीडियो में इससे आगे चलेंगे और देखेंगे पावर फैक्टर वगैरह, ठीक है। जब तक के लिए बन रहे, थैंक यू।